ऑल एडवांस लेवल के अपन सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं। अब जरा देखिए, आप क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 पेज नंबर 5.62, क्वेश्चन नंबर 31 पेज नंबर 5.62। फॉर्चून लिमिटेड मैन्युफैक्चरर्स प्रोडक्ट एन यूजिंग वन यूनिट ऑफ थ्री कंपोनेंट्स नेमली पी क्यू एन आर। फॉर्चून लिमिटेड है, मैन्युफैक्चर करती है प्रोडक्ट एन, दिस इज गिवन। क्या अपन को गिवन है फ्रेंड्स? फॉर्चून लिमिटेड, इट मींस प्रोडक्ट है अपने पास, दिस इज ए प्रोडक्ट एन एंड प्रोडक्ट एन इज रिक्वायर्स पी क्यू एंड आर। फॉर्चून लिमिटेड मैन्युफैक्चरर्स प्रोडक्ट एन यूजिंग वन यूनिट ऑफ ईच थ्री कंपोनेंट्स पी क्यू एन आर सेल्स एट द रेट ऑफ 37.5 पर यूनिट। इट मीन्स एट द रेट ऑफ 37.5 पर यूनिट, एट द रेट ऑफ 37.5 पर यूनिट। इट हैज टू डिविजन्स। इन द प्रोडक्शन डिविजन इट प्रोड्यूसेस ऑल द टाइप ऑफ कंपोनेंट बाई यूजिंग इट्स फुल कैपेसिटी ऑफ 42,000 मशीन आवर्स। तो मैक्सिमम मैक्सिमम मशीन आवर्स इसके पास अवेलेबल है 42,000। ओके, क्या बोल रहा है? इन प्रोडक्शन डिविजन इट प्रोड्यूसेस ऑल द टाइप ऑफ कंपोनेंट्स बाई यूजिंग इट्स फुल कैपेसिटी, मतलब पूरा यूटिलाइज हो जाता है 42,000 में। इन असेंबली डिविजन द रिमेनिंग जॉब इज परफॉर्म बाई वर्कर्स मैनुअली बिफोर एन इज रेडी फॉर सेल। इसका मतलब एक आपका है मशीन और एक आपका है ओके प्रोडक्ट एन इज मैन्युफैक्चर इन ए बैच ऑफ 100 यूनिट्स। इट मीन्स वन बैच इक्वल टू 100 यूनिट्स, वन बैच इक्वल टू 100 यूनिट्स एंड द डाटा रिलेटिंग टू द करेंट प्रोडक्शन पर बैच इज गिवन बिलो। ओके, तो इसका मतलब अगर आपको देखना है कि आपका सेलिंग प्राइस पर बैच ऑफ एन क्या हो जाएगा, इट मींस 37.5 इंटू 100 एंड दिस कम्स टू 3750 लेस वेरिएबल प्राइस। व्हाट इज द वेरिएबल प्राइस? इज 2075। वेरिएबल प्राइस आपका है 2075, आपको कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 3750 माइनस 2075 इज 1675। ओके, आपको आ जाएगा 1675। सही है सर, आपका क्या हो जाएगा 1675। ठीक है, मैक्सिमम आवर्स 42,000 है, इसका मतलब आपका जो प्रेजेंट प्रोडक्शन है आपका, दिस इज योर प्रेजेंट प्रोडक्शन इज 42,000 और एक बैच को बनाने में कितना टाइम लगता है? 15 प्लस 25 प्लस 30। इट मीन्स आपके बैच बन के तैयार होंगे, इट मीन्स आपके बैच बन के तैयार हो जाएंगे 15 प्लस 25 प्लस 30 70 42,000 डिवाइडेड बाई 70 एंड दिस कम्स टू 600 बैचेस। आपके बैचेस बन के तैयार हो जाएंगे 600। ओके, तो आपका प्रेजेंट फिक्स कॉस्ट हो जाएगा, आपका प्रेजेंट फिक्स कॉस्ट हो जाएगा 600 बैचेस इंटू 1100 रुपीज पर बैच एंड दिस कम्स टू 6,60,000। प्रोडक्ट एन इज मैन्युफैक्चर्ड इन ए बैच ऑफ 100 यूनिट्स एंड द डाटा रिलेटिंग टू द करेंट प्रोडक्शन पर बैच इज गिवन बिलो। आपको मशीन आवर्स, प्रोडक्शन इट मींस कंपोनेंट पी क्यू एंड आर और
में आपको लगते हैं 15 आवर्स, 25 आवर्स एंड 30 आवर्स। वेरिएबल कॉस्ट आपको दे रखा है 2075, ओके। फिक्स कॉस्ट आपको दे रखा है 1100 रुपीज, 600 बैचेज है, इसका मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट इज दिस। फॉर द नेक्स्ट ईयर कंपनी हैज एस्टिमेटेड दैट इट्स सेल्स वुड गो अप बाय 50% मोर देन द प्रेजेंट सेल्स एंड प्रोबेबली इवन 75%। इसका मतलब हमारा एट प्रेजेंट हमारा सेल क्या दे रखा है, इसका मतलब प्रपोज्ड सेल्स, दिस योर प्रपोज्ड सेल्स, प्रपोज्ड सेल्स इट मींस एक हमारा ऑप्शन है वन, ऑप्शन वन एंड ऑप्शन टू। ऑप्शन वन 600 एंड इंक्रीजिंग बाय 50% इट मींस 900 बैचेस, और 600 इंटू 175 इट मींस 600 इंटू 1.75 इज 1050 बैचेस, 1050 बैचेस, दिस इज योर प्रपोज्ड, ओके। आपका प्रपोज्ड सेल्स हो सकता है, इट मींस या तो 900 बैचेस या 1050। फॉर द नेक्स्ट ईयर कंपनी हैज एस्टिमेटेड दैट इट सेल्स वुड गो अप बाय 50% मोर देन द प्रेजेंट सेल्स एंड प्रोबेबली इवन 75% इफ द प्रोडक्शन कैपेसिटी इज मेड अवेलेबल। The machine capacity cannot be increased during the next year, even though the workers in the assembly division can be increased as per the requirement without any increase in the fixed cost. To meet the increased demand, production can be taken up and processed in the assembly division by procuring the component from the open market. The company has received the following price quotation for the purchase. Dekho. अभी ये क्या बोल रहा है कि अपने पास दो डिवीजन है, एक है अपना मेन मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन, उसमें 42,000 आरसी है, सो यू कैन नॉट इंक्रीज, यू कैन नॉट इंक्रीज इट, यू कैन प्रोड्यूस ओनली 600। अब डिमांड अपने को आ रहा है 900, डिमांड अपने को आ रहा है 1050, तो बोल रहा है असेंबली डिवीजन में आर्स का प्रॉब्लम नहीं है, आर्स का प्रॉब्लम असेंबली डिवीजन में नहीं है। तो अपन क्या कर सकते हैं कि ये जो अपना जो प्रोडक्ट है पी क्यू एंड आर, उसको हम कहां से ले सकते हैं, वी कैन परचेज दिस फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर, वी कैन परचेज फ्रॉम एक एक, अगर हम प्रोडक्ट बनाएंगे एन, तो एक पी चाहिए, एक क्यू चाहिए, एक आर चाहिए, बराबर। तो हम क्या करेंगे, अगर अपने पास 900 का आया तो 600 तो हम बना लेंगे, एंड 300 के लिए जो जरूरत पड़ेगी वो हम बाहर से ले लेंगे, वो बना के दे देंगे। उसका बनाने का जो कॉस्ट है पी क्यू एंड आर का है 5.55 इज पी का कॉस्ट, देन 7 रुपीज इज ए क्यू का कॉस्ट, और 8.4 इज ए आर का कॉस्ट, पी क्यू एंड आर का कॉस्ट अपने को दे रखा। डिटरमाइन द प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट बीइंग अर्नड एट प्रेजेंट, इंडिकेट विच ऑफ द कंपोनेंट शुड बी परचेज एंड इन व्हाट क्वांटिटीज एट द टू एस्टिमेटेड लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज बाय 50% and 75% रेस्पेक्टिवली ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन। Prepare a statement showing the company's profitability at both the estimated level. तो पहला वाला पार्ट तो देखो आपका एकदम सिंपल है फ्रेंड्स करके ना, ओके। तो पहले अपन क्या करेंगे फ्रेंड्स कि अगर अपन को ये पी क्यू एंड आर लेना है तो अपन को देखना पड़ेगा, अपन को रैंक देना पड़ेगा, मतलब अपने फॉर्मेट में ही अपने को जाना पड़ेगा, बराबर, अपने फॉर्मेट से ही अपन को जाना पड़ेगा, ओके। अपना फॉर्मेट क्या है, मैंने आपको क्या बताया था, बोलो, जब भी प्रॉफिट क्या रहेगा तो स्टेटमेंट शोइंग, प्रॉफिट क्या रहेगा तो स्टेटमेंट शोइंग कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पर आर रैंक पर प्रोडक्शन, प्रॉफिट क्या रहेगा तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पर आर रैंक पर प्रोडक्शन, और प्रॉफिट का नहीं है कॉस्ट का है तो अपना क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अगर कॉस्ट का है तो लॉस ऑन परचेज पर यूनिट पर आर रैंक पर प्रोडक्शन। तो पहले वो मैं स्टेप बना लेता हूं, दिस इज योर स्टेप नंबर वन, स्टेटमेंट शोइंग स्टेटमेंट
statement showing loss on purchase per unit per hour and rank for production. Rank for production. कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं अपने पास? P Q and R. What is the purchase price? Purchase price बराबर 5 rupees 55 paise का एक है. ओके, परचेस प्राइस पर बैच, एक बैच पे हमारी कितनी यूनिट्स आएंगी? 100. तो हमें कॉस्ट कितने में पड़ेगा बोलो? 5 5 5. फिर आपका आएगा 7 into 100, आपको कॉस्ट कितने में पड़ेगा? 700. फिर हमारा आएगा 8.4 into 100, हमारा कॉस्ट कितने में आएगा? 840. देन मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल कॉस्ट, अगर हम इसको फिक्स कॉस्ट, तो हमें हमेशा अपना क्या रहेगा? इरेलेवेंट, चाहे बनाओ चाहे आप मत बनाओ, चाहे परचेस करो, कुछ भी करो, आपको लगने वाला है. मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल कॉस्ट आपका क्या लगेगा? 375 450 450, ये आपका हो जाएगा लॉस ऑन परचेज पर बैच. इट मीन्स 555 लेस 375 इज 180, 700 लेस 450 इज 250, 840 450 इज 390 डिवाइडेड बाय आर्स पर बैच. आर्स पर बैच, आर्स पर बैच है 15 25 30 15 25 and 30. लॉस ऑन परचेज पर आर 180 by 15 is 12, 250 by 25 is 10, 390 30 by 30, and rank. What is your rank? पहले हमको यहाँ, फिर फर्स्ट रैंक इज दिस, सेकंड रैंक इज दिस, एंड थर्ड रैंक इज दिस. बोलो या सुनो, क्या आपने किया है? दिस इज योर स्टेटमेंट शोइंग, स्टेटमेंट शोइंग लॉस ऑन परचेज पर पर बैच ले लो आप ना, ये पर बैच पर आवर एंड रैंक फॉर प्रोडक्शन. कंपोनेंट पी, कंपोनेंट क्यू, कंपोनेंट आर. परचेज प्राइस, व्हाट इज द परचेज प्राइस? 555 700 and 840. मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल कॉस्ट 375 450 450. लॉस ऑन परचेज 180 250 and 390. आर्स रिक्वायर्ड पर बैच इज 15 25 30. लॉस ऑन परचेज आपका 12 10 13, रैंक 1 2 and 3. इसका मतलब पहले हम आर बनाएंगे, फिर हम पी बनाएंगे, और फिर हम क्यू बनाएंगे. वन बाई वन पहले आंसर कर देते. डिटरमाइन द प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट बीइंग अर्नड एट प्रेजेंट. एट प्रेजेंट तो वेरी सिंपल है फ्रेंड्स, हम लोग कितने बैचेज बना रहे हैं? हम लोग बना रहे हैं 600 बैचेज.
एक बैच पे कंट्रीब्यूशन कितना है 1675 इंटू 600 10,05,000, उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस हो जाएगा बराबर, क्योंकि हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 1675 इंटू 600 बैचेस 10,05,000 माइनस 6,60,000, ये आपका क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो आप लोगों को क्या आ जाएगा इज ए प्रॉफिट एंड लॉस, सही है सर, स्टेटमेंट शोइंग प्रेजेंट प्रॉफिट एंड लॉस, इट मींस दिस इज योर आंसर नंबर वन, ओके, इट मींस स्टेटमेंट शोइंग प्रेजेंट प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट शोइंग प्रेजेंट प्रॉफिट एंड लॉस, कौन सा प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं फ्रेंड्स, दिस इज योर प्रोडक्ट एंड एंड आपका प्रोडक्शन, प्रोडक्शन इज करेंट प्रोडक्शन, दिस इज योर करेंट प्रोडक्शन इज 600 बैचेस इंटू कॉन्ट्रीब्यूशन पर बैच इज 1675, योर टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन 600 इंटू 1675 इज 10,05,000 लेस फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट इज 6,60,000, देन प्रॉफिट एंड लॉस इज 3,45,000, ये आपका हो गया आंसर नंबर वन, डिटरमाइन द प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट एट बीइंग अर्नड एट प्रेजेंट, हमारा प्रोडक्शन कितना हो रहा है 600, वो हम लोगों ने वर्किंग में दिखा दिया था कितना प्रोडक्शन हमारा हो रहा है इज ए 600 बैचेस, एक पर कंट्रीब्यूशन 1675 और लेस फिक्स कॉस्ट, आपका क्या आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस, सही है सुनो, ये आपका हो गया आंसर नंबर वन, सब कुछ आपको तो प्रिंटेड फॉर्म में तो मैंने दे ही रखा है, तो आप जरा कॉन्सेंट्रेट करिए। अब दूसरा क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, इंडिकेट विच ऑफ द कंपोनेंट शुड बी परचेस्ड एंड बाई व्हाट क्वांटिटी एट द टू एस्टिमेटेड लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज बाय 50 एंड 75 रेस्पेक्टिवली ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन, इट मींस अब आपको बनाना पड़ेगा, दिस इज योर आंसर नंबर टू, स्टेटमेंट शोइंग प्रोडक्शन और परचेज प्लान, स्टेटमेंट शोइंग प्रोडक्शन और परचेज प्लान फॉर मिनिमम कॉस्ट, ओके, सबसे पहले आपका आ जाएगा फ्रेंड्स आवर्स अवेलेबल प्रोडक्ट प्रोडक्शन आवर्स पर बैच टोटल एंड बैलेंस, आवर्स अवेलेबल कितने आवर्स अवेलेबल हैं 42,000, ओके, फर्स्ट रैंक हमारा क्या आ रहा था फ्रेंड्स, पहले हम क्या बनाएंगे आर, फिर हम बनाएंगे पी, फर्स्ट इज आर,
फिर हम बनाएंगे पी, ओके। और डिमांड है हमारा 900 बैचेस, पहले 900 बैचेस। एक बैच को बनाने में हमको टाइम लगता है 30 आवर्स, आर को बनाने में 30 आवर्स, इट मीन्स कि आपका टोटल 27,000 आवर्स आपका चला जाएगा और आपके पास बैलेंस रह जाएगा 42 माइनस 27 इज 15,000। हमारा सेकेंड रैंक आ रहा था इज ए पी, पी का बनाएंगे 900 बैचेस। एक बैच को पी के को बनाने में 15 आवर्स, इट मीन्स 13,500 बैलेंस 1500। अब हम बनाएंगे फ्रेंड्स क्यू, एक क्यू को बनाने में 25 आवर्स, इट मीन्स 1500 डिवाइडेड बाय 25 इज 60। ये आपका रहेगा प्रोडक्शन प्लान। और इफ डिमांड इक्वल टू 1050 बैचेस, डिमांड इक्वल टू 1050 बैचेस, आर्स हमारे पास अवेलेबल रहेंगे ओनली 42। पहले क्या बनाएंगे पी, 105, पहले हम बनाएंगे फर्स्ट प्रेफरेंस हमारा क्या आएगा आर को, अवर फर्स्ट प्रेफरेंस, सबसे पहला प्रेफरेंस हमारा आर को 1050 बैचेस इनटू 1050 बैचेस इनटू 30 आवर्स, इट मीन्स 1050 इनटू 30 इज 31,500 बैलेंस 42 माइनस 31,500 माइनस 42 इज 10,500 आर। देन हम बनाएंगे फ्रेंड्स पी, पी में हमारे कितने बैचेस बनेंगे, एक पी को बनाने में 15 आवर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, 10,500 आवर्स, 10,500 डिवाइडेड बाई 15 इज 700 बैचेस, 10,500 सही है। ये हमारा प्रोडक्शन प्लान बनेगा अगर हमारे पास 42,000 आवर्स है, डिमांड 900 है, 42,000 आवर्स है और हमारा डिमांड है 1050। अगर हम इस तरह से बनाते हैं तो हमको क्या आएगा मैक्सिमम प्रॉफिट। अब आपका आएगा स्टेटमेंट शोइंग परचेज प्लान, इट मींस स्टेटमेंट शोइंग, दिस इज योर परचेज प्लान। अब परचेज प्लान में अगर हमारा डिमांड 900 बैचेस का था, 900 बैचेस का, और 900 में हमारे पास 60 तो बन, ये तो बन गए थे 900 आर 900 पी। क्यू के केस में 900 माइनस 60 इट मींस 840 बैचेज हम लोग बाहर से खरीदेंगे और 840 बैचेस का मतलब है 100 यूनिट्स एक बैच में रहेगी, 84,000 यूनिट्स अगर अपन बाहर से ले लेते तो हम लोग 900 बैचेस का सप्लाई कर सकते। अगर मैं 84,000 यूनिट्स बाहर से ले लूं तो
तो मेरे 840 मीन्स 100 यूनिट्स इक्वल टू वन बैच है, 100 यूनिट्स इक्वल टू वन बैच है, इसका मतलब मेरा Q का 840 बैचेज बन जाएगा, मेरा Q का 840 बैचेज बन जाएगा, 840 बैचेज बन जाएगा इस परचेज से, क्योंकि 84,000 डिवाइडेड बाई 100, 840 बैचेज मेरा बन गया, पर 840 मैंने ये परचेज से बना लिया, 60 मैं खुद बना रहा हूँ, ये मेरा 900 हो जाएगा, फिर ये 900 का सप्लाई मैं कर सकता हूँ। सही है, सुनो, अगर आपका 900 बैचेज है तो आपको Q को खरीदना पड़ेगा, कितना Q को खरीदना पड़ेगा, 60 बैचेज Q आपको खरीदना पड़ेगा, 60 बैचेस Q आपको खरीदना पड़ेगा, 60 बैचेस। सही है, सुनो फ्रेंड, और अगर आपका इट मीन्स इफ डिमांड इक्वल टू 1050 बैचेज है, अगर डिमांड इक्वल टू 1050 बैचेज है, अगर आपका डिमांड है 1050 बैचेज का, तो हम क्या करेंगे, इफ द डिमांड इक्वल टू 1050, तो देखो आर तो हमारा बन गया, पी और क्यू बचेगा, इट मीन्स पी एंड क्यू बैचेज 1050, उसमें से 700 हमारे बन रहे हैं, यहाँ पे जीरो बन रहा है, इनटू पहले ये बैचेज निकाल लेते हैं अपन, इट मीन्स 1050 माइनस 700 इज 350 बैचेस, वन में 100 यूनिट्स, इसका मतलब 35,000 यूनिट्स आपको लेनी पड़ेंगी बाहर से, और इस केस में आपका 1050 इंटू 100 यूनिट्स, इट मीन्स 1050 इंटू 100 यूनिट्स इज 1,05,000 यूनिट्स आपको बाहर से लेनी पड़ेगी। सही है, ये यूनिट्स में है, पर हमको तो पूछा गया बैचेज में, तो इतने बैचेज हमको बाहर से लेने पड़े। सही है, सर, ये बैचेज हमको बाहर से लेने पड़े। सही है, सुनो फ्रेंड्स, तो दिस इज योर आंसर नंबर टू, आंसर नंबर टू इज योर प्रोडक्शन एंड फॉर्मेट आपका यही रहेगा, फॉर्मेट में आप जरा भी वो मत करिए, फॉर्मेट आपका सेम रहेगा, सेम फॉर्मेट में जाके आपको काम करना है, सेम फॉर्मेट में जाके आपको काम करना है। सही है, सुनो, ओके, अब अपने से क्या पूछ रहा है, थर्ड में अपने थर्ड पॉइंट अपने से क्या पूछ रहा है, प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग द कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी एट बोथ द एस्टिमेटेड लेवल ऑफ आउटपुट, इट मीन्स आपको प्रॉफिट एंड लॉस बताना है, जरा पूरा ध्यान देना, यहाँ पे काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आप भी कंफ्यूज होंगे, तो यू प्लीज पे अटेंशन, तो आपको क्लियर हो जाएगा, इट मीन्स आंसर नंबर थ्री, स्टेटमेंट शोइंग एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट शोइंग एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट शोइंग एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, नंबर ऑफ बैचेस 900, 1050, कॉन्ट्रीब्यूशन 900 इंटू 1675 एंड 1050 इंटू 1675, ओके, 900 इंटू 1675 15,07,500,
एंड 1050 इंटू 1675 1758 750 15,07,500 and 1758 750 less fixed cost. लेस फिक्स कॉस्ट कितना लगेगा आपको 6,60,000 लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं. देखो ये 1675 कंट्रीब्यूशन आपको कब आएगा, जब एवरीथिंग यू आर प्रोड्यूसिंग योर ओन. बहुत ध्यान दीजिए आप यहाँ पे, 1675 कंट्रीब्यूशन आपको कब आएगा, 1675 कंट्रीब्यूशन आपको कब आएगा, जब हम सब कुछ हमारे खुद से बना रहे. 1675 कंट्रीब्यूशन कब आएगा, 3750 उसमें से, मतलब सब कुछ हम लोग खुद बना रहे हैं. लेकिन लेटर ऑन वी केम टू नो कि भैया हम नहीं बना सकते, हमारी कैपेसिटी नहीं है, हमको तो क्या करना पड़ेगा, अगर 900 का डिमांड है तो 840 बैचेज हमको बाहर से लेने पड़ेंगे. क्यू के 840 बैचेज हमको बाहर से लेने पड़ेंगे. इट मींस एडिशनल परचेज कॉस्ट, एडिशनल परचेज कॉस्ट ऑफ क्यू आपको लगेगा, क्योंकि आप 840 बैचेज बाहर से ले रहे हैं. मैं आपको दूसरी तरह से भी समझा दूंगा, लेकिन यू प्लीज पे अटेंशन, आप ध्यान दीजिए. 840 बैचेज आप बाहर से ले रहे हैं, हमको 1675 हमको कंट्रीब्यूशन कब होगा, 1675 हमको कंट्रीब्यूशन कब होगा, 1675 हमको कंट्रीब्यूशन कब होगा, When everything we are producing our own, हम हमारा खुद से बनाएंगे तो हमको 1675 होगा. Later on we came to know कि भाई हम लोग नहीं बना सकते, हमारी कैपेसिटी नहीं है, तो नहीं बना सकते. तो देखो आपको क्या होगा, इसका मतलब क्यू में आपका बनाने का कॉस्ट कितना था 450, और आप परचेज करेंगे तो कॉस्ट कितना लगेगा 700, तो 250 rupees ही तो आपको ज्यादा पे करना है. भाई मैं आपको बोलता हूं कि भाई अभी तक मेरी फीस 5000 थी, लेकिन अब नेक्स्ट टाइम से मेरी फीस 10000 हो जाएगी. तो या तो ये हो सकता है कि आप बोलोगे ठीक है सर, आप ऐसा करो सर, जो आपका डिफरेंशियल फिगर है 5000 वो आप हमसे ले लो. या दूसरा ये भी हो सकता है कि मैं आपको बोलूँ ये आपका 5000 का चेक लो, फिर आप बोलोगे सर आप दूसरा चेक 10000, ये क्या हुआ. तो आप डिफरेंशियल फिगर ले लो ना, ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यू हैव Already considered. Manufacturing cost आपने already consider कर लिया है. Later on you came to know कि भाई आप नहीं बना सकते तो आपका कितना जाएगा 700, लेकिन आपका बच जाएगा तो additional आपको cost कितना पड़ेगा 250. तो मैं आपको ये 250. It means 840 batches 700 minus 450 you have already considered. 700 minus 450 is 250 into 840 batches आपका आएगा 2,10,000. आपका प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस आपका आ जाएगा 15,07,500 माइनस 6,60,000 माइनस 2,10,000 इज 637,500. आपका क्या आ जाएगा 637 एंड 500 प्रॉफिट.
सही है, सुनो देखिए, आप ऐसे मत समझिए, आप दूसरी तरह से ले लीजिए, मैंने इसको एग्जाम्पल को सॉल्व भी किया है, ऑल्टरनेटिव मेथड आप ले लीजिए, क्योंकि लाइब्रेरी में आपको बहुत सारे लोग कंफ्यूज करेंगे, तो आप जरा देखिए अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव मेथड ओके। देखिए 900 बैचेज आप बना रहे हैं, आप कितने बैचेज बना रहे हैं, 900, ठीक है। अब 900 में आपके पास कैपेसिटी नहीं है, इसका मतलब आप बना पाएंगे ओनली 60 बैचेज, ये तो आप खुद का मैन्युफैक्चर कर लोगे, बराबर, दिस इज मैन्युफैक्चर, और 840 बैचेज जिसमें आपको क्यू क्या करना पड़ेगा, परचेज, अभी आपको क्लियर हुआ, जिसमें आपको क्यू क्या करना पड़ेगा, परचेज। अच्छा 60 बैचेज पे तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपका कंट्रीब्यूशन हो रहा था 1675, अभी भी होगा, इट मीन 60 × 1675 इज 1,00,500, आपको कितना होगा 1,00,500 का, ये आपका कंट्रीब्यूशन निकल के आ जाएगा, सही आंसर। लेकिन 840 बैचेस पे अब जरा ध्यान दे लो आप करके ना, 840 बैचेस पे आप जरा देखिए आपका सेलिंग प्राइस क्या था, आप ऐसे समझ लो आपका कंट्रीब्यूशन क्या था, आपका कंट्रीब्यूशन क्या था 840 बैचेस पे, या तो आप इस तरह से समझ लिए, दो तरह से मैं आपको समझाता हूं, देखो आपका कंट्रीब्यूशन क्या आ रहा था, 1675, आपको पता चला कि भाई क्यू को हम नहीं बना सकते, हमारे पास क्यू बनाने के लिए नहीं, जब आपके पास क्यू बनाने के लिए नहीं है तो आपका जो क्यू का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, क्यू का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, वो आपको सेविंग हो जाएगा क्यू का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, लेकिन क्यू का आपको परचेस कॉस्ट पे करना पड़ेगा, परचेस कॉस्ट क्या है क्यू का, 700 रुपीज, तो आपका रिवाइज कॉन्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, 1675 प्लस 450 माइनस 700 इज 1425, आपका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, आपका कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा 1425। अच्छा अगर आपको ऐसे नहीं करना तो देखो आपका सेलिंग प्राइस ले लो, आप सेलिंग प्राइस आपका पर बैच क्या था, आपका सेलिंग प्राइस पर बैच है 3750, उसमें आप पी का कॉस्ट माइनस करिए, पी का क्योंकि हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 375, क्यू हम लोग बाहर से ले रहे हैं तो कॉस्ट माइनस होगा 700, और आर हम लोग खुद बना रहे हैं, कॉस्ट माइनस होगा 450, और असेंबली कॉस्ट आपको लगेगा इज 800, आपका कंट्रीब्यूशन क्या आ जाएगा, 3750 माइनस 375 माइनस 700 माइनस 450 माइनस 800 इज 1425, अभी आपको क्लियर हुआ क्या, 1675 आपको कंट्रीब्यूशन कब मिल रहा है, जब आप खुद से बना रहे हैं, लेटर ऑन यू केम टू नो कि भाई हम तो नहीं बना सकते, नहीं बना सकते तो जो बनाने का कॉस्ट है वो सेव हो जाएगा, उसकी जगह परचेज कर लेंगे, या फिर आप स्टार्टिंग से लीजिए 3750 पी का बनाने का कॉस्ट, इसका परचेज का कॉस्ट लगेगा क्योंकि हमारी कैपेसिटी नहीं है, ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, तो अब 840 बैचेज हैं आपके, 840 × 1425 करो, 840 × 1425 इज 1,97,000 का कंट्रीब्यूशन होगा, इट मींस 1,00,500 प्लस 1,00,97,000 प्लस 1,00,97 इज 1,02,97,500,
500, उसमें से आपका फिक्स कॉस्ट आप माइनस करो 6,60,000. दिस इज ओनली फॉर लाइब्रेरी, हाँ आपके लिए मैं सिखा रहा हूँ, एग्जाम में आपको लिखने की जरूरत नहीं है. माइनस 660 इज 6,37,500. आप देखिए आपका प्रॉफिट क्या रहा है, 637. जो एक्स्ट्रा पैसा है वो मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि आई केम टू नो कि भाई अब मैं नहीं बना सकता करके, नहीं बना सकता तो बनाने का कॉस्ट सेव हो जाएगा और परचेज का कॉस्ट माइनस हो जाएगा. या एक्स्ट्रा दे दो, जो मैंने आपको बोला 5,000 आपको अगर लग रहा है तो 5,000 आपको लग रहा है तो 5,000 आप क्या करो, 5,000 मेरा फीस था, अब मैंने 10 कर दिया है, तो ये आप जो डिफरेंशियल फिगर है आप बोलोगे सर ले लो, खत्म करो मैटर को. सही है, सुनो अब यहां पे आ जाएगा 1050 बैचेस, 700 लगेगा, 450 बचेगा. आपका एक्स्ट्रा कॉस्ट आ जाएगा 1070 माइनस 450 इंटू 1050 262 500. आपका क्या आ जाएगा 262 500 प्लस. अब आपका इसमें कितना लगेगा, ये तो क्यू था, अब पी में आपका क्या था, पी आपको परचेज करना पड़ रहा है 350 बैचेस. सो 350 बैचेस, अब पी में भी वही हो जाएगा ना, पी का कॉस्ट आपका क्या आएगा, पी में आपको कितना पे करना है एक्स्ट्रा 180, 550 555 में से 375 सेव हो जाएगा, 555 में से 375, क्योंकि आगे जितने भी क्वेश्चन है सब इसी के ऊपर बेस है करके ना, 555 प्लस 375 इंटू 350 इज 17,758,750 माइनस 6,60,000 262,500 माइनस 63,000 773,250, ये आपका आंसर नंबर हो जाएगा 3. सही आंसर, परफेक्टली क्लियर होना होता, क्योंकि आगे 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 जो क्वेश्चन आएंगे वो सब इसी पैटर्न के हैं, तो आपको एक एक पॉइंट एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए. परफेक्टली आपको क्लियर हो रहा है, दिस इज योर एक्सक्लूसिव एडवांस लेवल के आपके सम चल रहे हैं, मेक वर्सेस बाय. सही है सर, मेक वर्सेस बाय.